हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नमक पारे की रेसिपी। यहाँ मैंने लेयर्ड वाले नमक पारे बनाए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम मैदा लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। रिफाइंड ऑयल यहाँ हमने मोयन के लिए इस्तेमाल किया है। देखिए, रिफाइंड ऑयल और मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो गूंथ लेंगे। तेल हमारे नमक पारों को अच्छा खस्तापन देता है, इसके लिए हम इसमें तेल इस्तेमाल करते हैं। नमक पारे का डो रोटी के डो से थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें नमक होता है। तो जैसे ही हम इसे रेस्ट करने रखेंगे तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। देखिए, हमारा डो तैयार हो गया है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे हो चुके हैं, देखिए हमारा डो अच्छे से रेस्ट हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेटफॉर्म पर ले लेंगे और इसे एक हल्का सा बाइंड देंगे और इसे रोल करते हुए इसे 3 से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैंने यहाँ डो को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब 3 पार्ट्स को हम साइड में रख देंगे और 1 पार्ट को बाइंड करते हुए उसे फ्लैट करेंगे। और मैदा डस्ट करते हुए इसकी एक रोटी बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारी रोटी बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर हल्का सा घी ब्रश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ लेयर्ड वाले नमक पारे बना रहे हैं, इसके लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो घी को ब्रश करने के बाद उसके ऊपर हम हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसे 1/2 सर्कल में रोल कर देंगे। उसके बाद फिर से हम इसके ऊपर घी ब्रश करेंगे और मैदा डस्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसे एक और फोल्ड दे देंगे, जिससे ये ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। उसके बाद हम फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पहले घी लगाएंगे और उसके बाद मैदा डस्ट करके इसे राउंड शेप में अच्छे से रोल कर लेंगे और फ्लैट करके हम फिर से इसे मैदा डस्ट करते हुए इसकी रोटी बेल लेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से रोल करना है, बहुत टाइटली रोल ना करें इसे। देखिए, हमने इसकी रोटी बना करके तैयार कर ली है। हमारी रोटी ना ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा थिक है। तो अब हम एक कटर से इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में, आप अपने फेवरेट शेप में इसे कट कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ सारे नमक पारों को कट कर लिया है। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह हम सारे नमक पारों को तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारे सारे नमक पारे बनके के तैयार हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल को ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए, हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें थोड़े नमक पारे डालेंगे और इसे
लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्की आंच में फ्राई करेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हमारे नमक पारे ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। देखिए, हमारे नमक पारे बन करके तैयार हो गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारे नमक पारों को फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारे नमक पारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इन्हें आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए, ये कितने खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। देखिए, हमारे लेयर्ड नमक पारे बन करके तैयार है। आप इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें और इसे स्टोर करके 12 से 15 दिनों तक आराम से रख सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे इस चैनल के बारे में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।